हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। और मैं बनाने जा रही हूँ पेटीज, जो कि बिल्कुल ही लेयरदार और अच्छी और टेस्टी बनी है। जिसे भी आप खिलाओगे आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और एक पेटीज मैं तोड़ के दिखा देती हूँ कितनी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनी है। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो रेड और ग्रीन चटनी भी ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं आधी किलो आलू बॉइल्ड करके। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आलू ले सकते हैं। और आलू को बॉइल्ड कर लेना है, बॉइल्ड करके छील लेना है। और छीलने के बाद हाथ की सहायता से इस तरीके से मैश कर लेना है। मैश करके उसमें डालना है हरी मिर्च, बारीक कट करी हुई मिर्च जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। और हरा धनिया बारीक कट के करा हुआ धो के अच्छे से, और नमक स्वाद अनुसार, साबुत धनिया पिसा हुआ और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्च पाउडर। और इन सबको अच्छे से इस तरीके से हाथ की सहायता से मिक्स कर लेंगे कुछ। और उसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इन सभी को इस तरीके से मिक्स करके इसमें डालेंगे पनीर कद्दूकस करके। आप चाहे तो शिमला मिर्च या फिर गाजर, जो भी आपके बच्चों को वेजिटेबल्स पसंद है वो डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। क्योंकि हम घर में बना रहे हैं पेटीज तो अपने अकॉर्डिंग सब्जियां कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस साइड में आलू को तड़का लगाने के लिए ऑयल ले रही हूँ। ये मैंने ज़्यादा ऑयल ले लिया, इसमें से ऑयल थोड़ा निकाल लेंगे। बस इतना ही ऑयल लेना है। उसमें डालना है जीरा, जीरा जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब डालना है हमें ऑनियन, प्याज एक बारीक कट करी हुई। और उसके बाद इसे हल्का भून लेंगे इस तरीके से हाथ की सहायता से। और उसके बाद इसे हम इसमें डालेंगे आलू का जो भी मैंने पेस्ट बनाया था, इस तरीके से मिक्स करके बनाएंगे, डालेंगे ऑयल में। और तो अच्छे से पक जाता है। और प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना हमें, बस हल्का हल्का पकाना है ताकि प्याज का फ्लेवर पेटीज में आता रहे। प्याज ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या तो ना भी डालें तो भी चलेगा। आप आलू को जीरे में डायरेक्ट तल सकते हैं। और इस तरीके से मिक्स करके देखिए आप लोग कितना अच्छा कलर आया है। इसमें डालेंगे नींबू का रस एक से डेढ़, जो नींबू होता है एक या डेढ़ नींबू ले सकते हैं। और ये लेंगे हम इसमें मैदा, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग मैदा कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। उसके बाद छन्नी से छान लेंगे हम इस तरीके से। छान लीजिए क्योंकि अक्सर मैदे के अंदर कूड़ कबार भी निकल जाता है, इसलिए छान लेंगे। और जीरा हाथ में लेके इस तरीके से क्रश कर लेंगे हम। इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और बेकिंग पाउडर डाल लेना है, जिससे मैदा जो है अच्छे से फूल जाएगा तो पेटीज अच्छी बनेगी। और इधर लिया रिफाइंड ऑयल और इन सबको दोनों हाथों की सहायता से इस तरीके से मैं कुछ मिक्स कर दे रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें डालूंगी मैं पानी। पानी की सहायता से इसको आटे का ही तरह एक डो लगा लेंगे। इस तरीके का डो लगा लिया है मैंने। और इस पर थोड़ा ऑयल लगा के ग्रीस करके ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे तक, जब तक वो रेस्ट होता है, हम इधर ले लेते हैं रिफाइंड ऑयल 2 से 3 चम्मच। और इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच 3 मैदा और उसको इस तरीके से मिक्स करेंगे कुछ। अभी ये गाढ़ा हो चुका है, इसमें थोड़ा और रिफाइंड ऑयल लेंगे। और इस तरीके से हमें लेना है, थोड़ा और पतला करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसमें थोड़ा और रिफाइंड ऑयल डाल के इसे इस तरीके से कुछ पतला कर लूँगी। इस साइड से आपको दिख नहीं रहा है शायद, मैं इस वाले हाथ से दिखाती हूँ। इस तरीके से पतला कर लेंगे बिल्कुल ही। और उसके बाद हमारा मैदा भी रेडी हो चुका है। तो अब मैं 5-6 लोई ली है मैंने, तो इस तरीके के छोटी छोटी लोई लेके उसको बेल लेती हूँ। पहले मैं एक रोटी की तरह बेल लेना है हमें। ये मैंने एक रोटी बेल ली है अपनी, चाहे तो आप बड़ी भी कर सकते हैं। ये दूसरी बेल ली है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सारी इसी तरह बेल के हम एक साइड रख लेंगे। ये मैं इसके ऊपर जो मैदे के आटे का हमने घोल बनाया था वो लेप लगा रही हूँ दोनों हाथों से इस तरीके से। उसके ऊपर फिर एक रोटी रख दूंगी इस तरीके से। और उसके बाद फिर उसी आटे का लेप, उसी दूसरी रोटी जो हमने चिपकाई है उसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। इसको भी इसके ऊपर रख दूंगी इस तरीके से। तो आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा है,
मैं अभी 1 मिनट प्लेट हटा के दिखाती हूँ। इस तरीके से 6 की 6 रोटी ले ली है और इसका इस तरीके से आराम से लेयर पकड़ के हम बारीक से इस तरीके से कर लेंगे, इस तरीके से इसको फैला लेंगे। ये खुल रहा है, थोड़ा इस पे मैदा लगाएंगे, मैदा का जो घोल बनाया है वो लगाऊंगी। ये लगाना भूल गई थी, ये आप मत भूलना, ये सॉरी ये गलती से हो गया। इसके ऊपर मैदे का आटा थोड़ा भूरा लेंगे, आई मीन डस्ट कर लेंगे, और उसके बाद इसे इस तरीके से लेयर बना लेंगे अच्छे से, बड़ी सी इस तरीके से लेयर फैलाते जाएंगे फैलाते जाएंगे, हल्के हाथ से पेशेंस से। और जब इस तरीके का हो जाए तो इस तरीके की कट कर लेंगे रोटी, अपनी सारी की सारी चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। और कट करके मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, इतनी सारी लेयर हो चुकी है जो कि हमारी पेटीज में बन के आएगी। तो इसको डायरेक्ट हम नहीं दबाएंगे, थोड़ा तिरछा दबाएंगे इस तरीके के, थोड़ा तिरछा दबाने से पेटीज के बाहर जो लेयर है वो अच्छी बन के आएगी। और इसको रोटी आकार में बेल के और जो इसके साइड के लेयर है उसे कट करके हम निकाल देते हैं, इस तरीके से निकाल लेंगे। बीच में जो हमने आलू का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे, इस तरीके से डाल लेते हैं, सेट कर देंगे इसे। अब इसके साइड में चारों तरफ पानी का लेयर लगाएंगे, पानी डालेंगे आई मीन हल्का हल्का, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और इसको इस तरीके से चिपका देंगे हम, ये चिपका देते हैं इस तरीके का, हम चिपका देते हैं 1 मिनट, ये हमने चिपका दिया है। ये सारी की सारी लेयर बन के रेडी है। आप पहले इस तरीके की रोटी बेल कट करके और इसको इस तरह 5 से 6 मिनट फ्रिज में रख दें, उसके बाद अपनी पेटीज बेलें तो ज़्यादा अच्छे से, मतलब जो होता है बाहर की लेयर वो खुल के आएगा। ये देख सकते हो आप, पेटीज की लेयर खुलनी स्टार्ट हो गई है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा दूँ कितनी बढ़िया लेयर बन के आ रही है। ये देखिए पेटीज की लेयर बढ़िया से बन के आ रही है, साइड में आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनी है हमारे पेटीज। देख सकते हो आप, बिल्कुल ही फूली फूली क्रंचीज हो गई है, खुल रही है सारी की सारी और गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अभी ये हमारा हो चुका है, अब छन्नी की सहायता से मैं निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया बनी है, लेयर की लेयर बनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनी, आप देख लीजिए। एक फोड़ के दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और थैंक यू फॉर वॉच, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक